हाय गाइस, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं विकी फील का फ्रीज आइसक्रीम मिक्स और ये है बटर स्कॉच फ्लेवर। इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई, कैसे बनाना, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए 400 ml हमें मिल्क चाहिए और जो फिर 100 ml बचा ना वो इसने पी लिया गुड्डू ने, है ना गुड्डू ने पिया है। और फिर बॉइल कर लेंगे इस मिल्क को। तो और रेसिपी भी दे रखी है। हाँ, तो बॉइल करिए और एक बॉईल आने के बाद ये मिक्सचर इसमें डाल दीजिए। ये ऐसे मिल्क पाउडर ही था, बहुत मीठा, मैंने टेस्ट किया था, मस्त था। और ये दूध के डालने के बाद अंदर येलो कलर का निकला, बहुत ही ब्राइट मस्त येलो कलर आ गया था। एंड इसकी क्या कंसिस्टेंसी, 3 मिनट इसमें लिखा था बॉईल करना है, तो मैंने 3 मिनट बॉईल किया। उसके बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक नहीं थी, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया इसके साथ, मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया वनीला वाला। पर आप मत करना, आप तो सिंपली बना लेना। मैंने क्या किया, कस्टर्ड पाउडर लिया थोड़ा सा जितना आपको दिख रहा है, 1 चम्मच, और इसको थोड़े से दूध में मिक्स 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 कर लिया। कस्टर्ड पाउडर को पहले ऐसे ही डालते हमेशा, मतलब ऐसे ही नहीं डालते डायरेक्ट, हमेशा अलग से मिक्स करके डालना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप मत ही करना। वैसे इसके अंदर फ्लेवर चेंज नहीं हुआ था क्योंकि बहुत कम डाला था मैंने, तो जस्ट थिक करने के लिए डाल दिया था, फिर भी इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, फिर रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसको ब्लेंड कर दो। तो मैंने इसको जार में डाल लिया, ब्लेंड भी कर लिया। अब वापस से उसी तपेली में मैंने उसको डाल दिया जिसमें पहले लिया था। आप चाहो तो दूसरा कंटेनर भी ले सकते हो, पर मैंने तो सेम लिया। फिर उसके बाद इसको 2-3 घंटे फ्रीज कर दो। फ्रिज पहले से ही सेट कर देना हाई फ्लेम पे। फ्लेम पागल, फ्रिज में फ्लेम नहीं होती। आपने से ज्यादा मत जमाना, हमने ज्यादा जमा दिया। हाँ, बहुत ज्यादा। कूलेस्ट टेम्परेचर में बाहर निकाल लेना, जमनी नहीं चाहिए। एंड इसको फिर से ब्लेंड कर देना और फिर इसकी कंसिस्टेंसी इतनी झकास हो जाएगी ना। ब्लेंड, ये हो गया ब्लेंड और फिर से हमने उसी तबेली में निकाल लिया। आप चाहो तो इस बार चेंज कर लेना। फिर मैंने सुबह तक इसको फ्रीज करा। वैसे तो 2-3 घंटे में जम जाता, लेकिन फिर मैंने सुबह तक वेट किया और सुबह के बाद मैंने सुबह उठते खा लिया, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी थी यार। ट्राई ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।